नमस्कार दर्शकों, आपने हमारे पिछले वीडियो इस्लाम में फैली भ्रांतियों का सच के पार्ट एक और दो में कुरान ए पाक से जाना कि इस्लाम धर्म के लोग जिस कुरान ज्ञान बोलने वाले अल्लाह को कादिर अल्लाह मानकर उसकी इबादत करते हैं, वह कादिर अल्लाह अर्थात समर्थ परमेश्वर नहीं है। वहीं हमने पिछले वीडियो में यह भी जाना था कि इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म को लेकर जो धारणा बनी हुई है वह गलत है। दर्शकों, यह ईद उल फितर पर इस्लाम में फैली भ्रांतियों का सच का भाग तीन है। इसमें हम इस्लाम में फैली कुछ और भ्रांतियों के विषय में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भ्रांति नंबर 5, इस्लाम धर्म में अल्लाह के नाम पर बकरे, गाय, मुर्गे आदि जानवरों को हलाल करना कुर्बानी माना जाता है। मुसलमान भाई वास्तव में कुर्बानी शब्द के वास्तविक अर्थ से भी परिचित नहीं है। यहां मुस्लिम समाज को विचार करना चाहिए कि कुर्बानी अपनी करनी चाहिए प्रभु के नाम पर, बकरे, गाय, मुर्गे या अन्य जानवर की नहीं, क्योंकि उस कादर अल्लाह कबीर ने कहा है, कबीर बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल, कबीर मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, घटफोरा घर घर बांटा साहब का निशान, कबीर काजी का बेटा मुआ उर्मे साले पीर, वह साहब सबका पिता भला ना माने बीर, कबीर पीर सबन को एक सी मूरख जाने नाही, अपना गला कटाए के क्यों ना बसो भिष्ट के माही, कबीर हिंदू के दया नहीं मिहर तुर्क कह नाही, कहे कबीर दोनों गया लख 84 माही, कबीर मुसलमान मारे करत से हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली जय हैं जम के द्वार। दर्शकों, बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वास्तव में कुर्बानी प्रभु के चरणों में समर्पण तथा सत्य भक्ति होती है। शीश काट देने तथा अविधि पूर्वक साधना करने से मुक्ति नहीं होती, यह तो शैतान काल की भूल भुलैया है। कुर्बानी गर्दन काटने से नहीं होती, समर्पण होने से होती है। प्रभु के निमित्त हृदय से समर्पित हो जाए कि हे प्रभु, तन भी तेरा, धन भी तेरा, यह दास या दासी भी तेरे, यह कुर्बानी प्रभु को पसंद है। हिंसा, हत्या खुदा कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि पवित्र बाइबल के उत्पत्ति अध्याय एक श्लोक 29:30 और पवित्र आसमानी किताब तौरेत के पैदाइश अध्याय एक श्लोक 29:30 में प्रमाण है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची उसका किसी भी प्राणी को मांस खाने का आदेश नहीं है। भ्रांति नंबर 6, इस्लाम में माना जाता है कि हजरत मोहम्मद अंतिम पैगंबर अर्थात अंतिम संदेश वाहक थे, लेकिन दर्शकों यह सत्य नहीं है, क्योंकि कुरान ए पाक का ज्ञान हजरत मोहम्मद को देने वाला अल्लाह तो कुरान शरीफ में सूरह फुरकानी 25 की आयत नंबर 59 में स्वयं कहा है, الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا, कि जिस अल्लाह कबीर ने सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की, फिर ऊपर अपने निज लोक में बने तखत पर जा विराजा, उसके विषय में पूर्ण जानकारी किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो, जिससे यह सिद्ध होता है कि पैगंबर मोहम्मद जी के पास अल्लाह की संपूर्ण जानकारी नहीं थी, बल्कि जो बाखबर संत होगा वह कादिर अल्लाह का संपूर्ण इल्म रखेगा, यानी वास्तव में पूर्ण परमात्मा का अवतार अर्थात अंतिम पैगंबर बाखबर तत्वदर्शी संत होगा। भ्रांति नंबर 7, इस्लाम में माना जाता है कि रोजा रखने, बंग यानी अजान देने, कुरान को पढ़ने, सिजदा करने, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से अल्लाह को प्रसन्न किया जा सकता है, जिससे जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। जबकि बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि इस्लाम धर्म के मानने वालों को यही मालूम नहीं है कि जिस कुरान ए पाक का ज्ञान देने वाले अल्लाह को आप अपना खुदा मानते हो वह तो स्वयं संपूर्ण ज्ञान नहीं रखता। जैसे कुरान शरीफ सूरा काफ 18 आयत 60-82 में जिक्र है, अल्लाह मूसा को उससे ज्यादा इल्म रखने वाले एक शख्स से मिलने के लिए भेजता है, जिसे इस्लाम में अल खिज्र के नाम से जाना जाता है, वह वास्तव में कादिर अल्लाह कबीर ही थे, क्योंकि वह समर्थ परमात्मा अपना वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के लिए अलग अलग नाम से अवतरित होता रहता है। जैसे अल्लाह कबीर ने कहा है, सतयुग में सत सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, कलियुग में नाम कबीर धराया, चारों युगों में हम पुकारें, कूक कहें हम हेल रे, हीरे मानिक मोती बरसें, ये जग चुकता ढेल रे, कवि नाम जो बेदन में गावा, कबीरन कुरान कह समझावा, वाही नाम है सबन का सारा, आदि नाम वाही कबीर हमारा,
दर्शकों, हदीस में मूसा जी की यह कहानी विस्तार से बताई गई है। 55 हदीसों में इस कहानी का जिक्र मिलता है कि एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे। उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। अल्लाह को मूसा का यह अंदाज बिल्कुल पसंद ना आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? तब घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूं और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने यह कह दिया कि आज जमीन पर मेरे से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। तब उस अल्लाह, जिसे पूरा मुस्लिम समाज अपना खुदा मानता है, ने कहा कि मूसा, जमीन पर तेरे से ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं। दर्शकों, हदीस पुष्टि करती है कि यह शख्स जो मूसा से ज्यादा इल्मी है और जिससे अल्लाह ने मूसा को कुरान शरीफ सुरा काफ 18 आयत 60 से 82 में मिलने के लिए कहा है, उसका नाम अल खिज्र या अल कबीर है और सारा मुस्लिम समाज इससे सहमत है। वहीं कुरान का ज्ञान बोलने वाले अल्लाह ने कुरान की उपरोक्त आयतों में हजरत मोहम्मद जी को भी बताया कि मैंने मूसा को वह ज्ञान जानने के लिए एक शख्स के पास भेजा जो ज्ञान मूसा को नहीं था। उस ज्ञान के सामने मूसा को प्राप्त ज्ञान अर्थात पुस्तक तौरात का ज्ञान कुछ भी मायने नहीं रखता। मूसा जी उस ज्ञान को प्राप्त किए बिना ही खाली लौट आया था। इससे सिद्ध होता है कि वह ज्ञान तौरात पुस्तक में नहीं है। यदि होता तो अल खिज्र के पास मूसा जी को ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। वहीं पवित्र जबूर, पवित्र तौरात तथा पवित्र इंजिल का ज्ञान इसी अल्लाह ने क्रमशः हजरत दाऊद, हजरत मूसा तथा हजरत ईशा को एक ही बार में दिया था, यानी कुरान के ज्ञान की तरह थोड़ा थोड़ा करके नहीं उतारा था। और यदि जबूर या इंजिल में संपूर्ण ज्ञान होता तो हजरत मोहम्मद को अल्लाह कह देता कि अल खिज्र वाला ज्ञान जबूर में दे रखा है या इंजिल में दे रखा है। परंतु यह भी कहीं प्रमाण नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि तौरात के अलावा पवित्र पुस्तक जबूर व इंजिल में भी अल खिज्र यानी अल कबीर वाला ज्ञान नहीं है। इसके अलावा कुरान में भी वह संपूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद की सूरह फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 में उसी अल्लाह ने कहा है कि जिस कबीर अल्लाह ने सर्व कायनात की रचना की है, उसके विषय में पूर्ण जानकारी किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो, उससे जानो, यानी कुरान का ज्ञान देने वाले अल्लाह को उस कादिर अल्लाह कबीर की संपूर्ण जानकारी नहीं है। दर्शकों, इससे यह बात स्पष्ट हुई कि कुरान ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसे मुस्लिम समाज अपना अल्लाह मानता है, वह उस समर्थ परमेश्वर कबीर अर्थात अल खिज्र के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता और उसको प्राप्त करने की विधि कुरान ज्ञानदाता को नहीं है। इसीलिए उसने सूरत अश शूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 में सांकेतिक शब्द बताए हैं, हामीम ऐन सीन काफ, जिनके अर्थ का वर्तमान तक संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त किसी को भी ज्ञान नहीं था। हजरत मोहम्मद को भी इनका ज्ञान नहीं था। इनके ज्ञान बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न जन्नत प्राप्त हो सकती, क्योंकि बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कुरान मजीद सूरत अश शूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 में कहा गया है, हां मीम यानी यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ सांकेतिक मंत्र हैं, जो साधना मुसलमान करते हैं, 5 समय नमाज, जकात यानी दान, रोजे यानी व्रत रखना, कुरान मजीद का तिलावत यानी पाठ करना, सिजदा करना, बंग देना आदि आदि, यह तो ऐसा जानो जैसे रोगी को ग्लूकोस लगा दी। परंतु रोग नाश करने की गोली व इंजेक्शन यथार्थ लगाए बिना रोगी स्वस्थ नहीं होगा। ऐन सीन काफ, जिन 3 मंत्रों के सांकेतिक शब्द हैं, उन नामों को रोगनाशक गोली तथा इंजेक्शन जानो। इन नामों का जाप करने से जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वहीं चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान भी काल ब्रह्म अर्थात कुरान ज्ञानदाता ने सूक्ष्म वेद से चुनकर अधूरा दिया है। सामवेद के मंत्र नंबर 822 में इन्हीं 3 नामों का संकेत है, जिसमें लिखा है त्रितस्य नाम अर्थात उस समर्थ परमेश्वर की पूजा के 3 नाम हैं। इसी काल ब्रह्म ने अर्थात कुरान ज्ञानदाता ने श्रीमद्भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को बताया था।
गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी ओम तत् सत के रूप में समर्थ परमेश्वर सृष्टिकर्ता की साधना करने के तीन नाम के मंत्र का संकेत है। ओम तत् सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविदः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा, जिसकी स्मरण की विधि तीन प्रकार से बताई है, जिसे केवल बाखबर तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक सभी नबी व उनके अनुयायी मोक्ष से वंचित रहे, बहिष्त यानी जन्नत अर्थात स्वर्ग में भी नहीं जा पाए, जिसका प्रमाण संत गरीबदास जी ने दिया है। गरीब नबी मोहम्मद नहीं बहिष्त सिद्धाना, पीछे भूला है तुर्काना। अर्थात भक्ति विधि से साधना न करने से नबी मोहम्मद भीष्त अर्थात जन्नत नहीं जा सका। उसके पीछे उसी साधना को करके सब तुर्क यानी मुसलमान भी सत्य साधना भूले हुए हैं। दर्शकों, आपको बता दें, आज इस्लाम धर्म में अनेक धर्मगुरु, उलेमा, मौलवी मौजूद हैं, लेकिन सत्य ज्ञान की बात करें तो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही बताते हैं, जो कि पूरे विश्व में एकमात्र बाखबर तत्वदर्शी संत हैं। अत आप सभी से निवेदन है कि कादर अल्लाह कबीर का संपूर्ण ज्ञान व सतभक्ति जानने के लिए बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का प्रतिदिन मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पर सत्संग देखें, या बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पाक पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को जगतगुरु रामपाल जी.org वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़िए। धन्यवाद।